सिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी, आपसे आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। यह जानकारी आपके लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि प्रदोष काल और प्रदोष तिथि क्या होती है। बहुत से लोग बहुत से उपाय करते हैं पर उनको वो सही टाइम पर नहीं कर पाते हैं, सही समय पर नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो उपाय किया जाता है वो उनका लाभ वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्रदोष काल और प्रदोष तिथि में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ उपाय जो प्रदोष काल में कीजिए बोला जाता है और कुछ उपाय उनको प्रदोष तिथि में करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, प्रदोष काल आज हम समझने वाले हैं और उसके बाद में मैं प्रदोष तिथि आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, हम लोग प्रदोष काल को समझते हैं। प्रदोष काल जिसमें किया जाने वाला कोई भी काम विफल नहीं होता, ठीक है। देवादिदेव महादेव में जो भी अगर आपको उपाय बोला जाता है कि प्रदोष काल में कीजिए, जैसे मैंने भी बहुत सारे उपाय आपसे शेयर किए हैं, तो जैसे प्रदोष काल में जो उपाय किए जाने के लिए कहा जाता है तो आपको वो पता होना चाहिए कि टाइम कौन सा है, प्रदोष काल का टाइम क्या होता है। तो देखिए, प्रदोष काल में किया जाने वाला जो कोई भी काम है वो कभी विफल नहीं जाता। शास्त्रों में इसका बहुत महत्व है। प्रदोष काल आपको रोज आता है, ठीक है, रोज डेली प्राप्त होता है आपको प्रदोष काल। प्रदोष काल सूर्यास्त जो होने वाला होता है वहाँ टाइम है प्रदोष काल का। उसमें मैं आपको एग्जैक्टली टाइम बताती हूँ कि जब सूर्यास्त होते रहता है, ठीक है, आपने सूर्यास्त होते हुए देखा है तो उसके 45 मिनट पहले का, हमें पता है कि अब सूर्यास्त होने वाला है, तो उसके जो 45 मिनट पहले का टाइम और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद का टाइम, इन्हें जो 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का, तो इस बीच का जो समय होता है, ठीक है, सूर्यास्त होते होते जो ये इस बीच का समय होता है इसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। और इसी समय में जैसे आपको बोला जाता है कि आप प्रदोष काल में ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, तो यही वो टाइम है जब आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद का जो बीच का समय है, सूर्यास्त होते होते तक का, तो ये सारा जो समय आपको प्राप्त होता है इसी समय में आपको ये उपाय करने को कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रदोष तिथि की। देखिए, आपने प्रदोष काल में जो उपाय किया है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका लाभ प्राप्त होता है, पर अगर कोई उपाय आपको प्रदोष तिथि में करने बोला जाता है, देखिए प्रदोष तिथि मतलब त्रयोदशी, ठीक है, जैसे कि आपने कोई उपाय किया है प्रदोष काल में, पर जो प्रदोष तिथि होती है और प्रदोष तिथि के दिन जो प्रदोष काल में जो उपाय आप करते हैं उसका और अत्यधिक आपको लाभ प्राप्त होता है। तो प्रदोष तिथि को ही त्रयोदशी तिथि कहा जाता है। प्रदोष तिथि कब पड़ती है ये आपको जानने के लिए कैलेंडर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दो प्रदोष प्राप्त होते हैं, मतलब हर एक महीने में हमें दो प्रदोष प्राप्त होते हैं। जैसे और भी तिथियाँ पड़ती है, एकादशी, द्वादशी, तो ऐसे ही त्रयोदशी भी पड़ती है, और त्रयोदशी में प्रदोष का दिन। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास में अगर बाबूलाल चतुर्वेदी का कैलेंडर नहीं है तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। आपको गूगल में भी 2022 का कैलेंडर दिखा देगा। तो जैसे मैंने अगस्त का अगर आपको बता दूँ तो अगस्त में हमें दो प्रदोष पड़ने वाले हैं। एक पड़ने वाला है 9 अगस्त को, मंगलवार के दिन, और दूसरा है 24 अगस्त को, ठीक है, 24 अगस्त को दूसरा प्रदोष पड़ेगा। तो हर महीने में हमें दो प्रदोष तिथि प्राप्त होती है। ये है दो प्रदोष तिथि। इस दो प्रदोष तिथि जो हमें हर महीने में मिलती है, और उसमें जो हम प्रदोष काल में जो उपाय करते हैं, जैसे कि अगर सपोज आज प्रदोष तिथि है तो मैं आज के जो इवनिंग में जो प्रदोष काल का टाइम होगा 45 मिनट पहले का सूर्यास्त के और 45 मिनट बाद का समय, इसके बीच में अगर मैंने कोई उपाय किया है तो वो कभी विफल नहीं जाता, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो ये होता है प्रदोष तिथि। तो आपको दो प्रदोष तिथि हर महीने प्राप्त होती है, तो ये आपको कैलेंडर के माध्यम से ही पता चलेगा। मैंने आपको बता दिया कि कैलेंडर बाबूलाल चतुर्वेदी का जो कैलेंडर होता है उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि एकादशी कब है, द्वादशी कब है, प्रदोष कब है, चतुर्थी कब है, और भी जो आपके पर्व रहते हैं, त्यौहार रहते हैं, उसके बारे में बहुत ही क्लियरली उसमें बताया जाता है। तो उस कैलेंडर को भी आप मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं।
हैं या फिर आप मोबाइल में सर्च करके देख सकते हैं। तो ये प्रदोष तिथि जो है उसमें जो उपाय किया जाता है वो कभी विफल नहीं जाता, और इसे ही त्रयोदशी व्रत मतलब त्रयोदशी कहा जाता है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो प्रदोष का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं, तो ये वही है। इस दिन भी जो प्रदोष काल के टाइम में जो इवनिंग के समय में जो उपाय के लिए बोला जाता है तो वो आपको करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा टाइम माना जाता है। ठीक है, और ठीक है, तो हर महीने में दो प्रदोष पड़ता है, तो आपको ज़रूर कोई विशेष उपाय इस समय में करना चाहिए जो आपको पता चलती है या मेरे द्वारा बताया जाता है। ठीक है, तो मैं पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं या जो अन्य मुझे जानकारियाँ प्राप्त होती है, मैं अपने माध्यम से भी बहुत से उपाय पता करती हूँ, और जो मैंने शास्त्रों द्वारा प्राप्त किया है ज्ञान तो वो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, तो उन उपाय को भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो आप उस उपाय को भी कीजिए तो आपको उसका अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसी तिथि और इसी समय में करना आपको चाहिए। जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया कि प्रदोष काल में कीजिए, तो आप प्रत्येक दिन के किसी प्रदोष काल में कर सकते हैं, पर अगर हमने कह दिया कि नहीं आपको प्रदोष तिथि के प्रदोष काल में करना है, तो वो भी मैंने आपको बोल दिया कि आप कैलेंडर में सर्च कर लीजिए प्रदोष काल किस दिन पड़ रहा है, और फिर उस दिन जा करके आप इवनिंग में प्रदोष काल के समय में ये उपाय को करिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रदोष तिथि होती है और प्रदोष काल का समय होता है। तो ये जो वीडियो है वो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर है उनके रिक्वेस्ट में बनाया है, मुझे उनका नाम तो नहीं पता है पर उनका लास्ट नेम है वर्मा, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर ऐसे ही आपके भी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में, तो आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपकी भी रिक्वेस्ट पे वीडियो आपके रिक्वेस्ट में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, और आपका जो भी क्वेश्चन रहता है उसका पूरी तरीके से आपको जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूँगी। वे लोग जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और जिनके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनका समाधान चाहते हैं, तो वे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के माध्यम से वे पूछ सकते हैं, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूंगी और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।